रीवा के गोविंदगढ़ थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। उड़ीसा से रीवा की ओर लाया जा रहा 7 क्विंटल गांजे का खेप गोविंदगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर जब्त किया, जिसमें 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। गांजे की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि गांजा कहाँ से लाया और कहाँ पहुंचाया जा रहा था, साथ ही कौन कौन लोग शामिल हैं इसका पता लगाने में जुटी हुई है। वहीं फरार आरोपियों की भी तलाश जारी है। विरोध में रीवा पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। उसमें लगातार की जा रही कार्रवाइयों में गोविंदगढ़ पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें एक ट्रक और एक बुलेरो गाड़ी मिली है और 3 आरोपी मिले हैं और लगभग 7 क्विंटल के आसपास गांजा की मात्रा है। अभी प्राथमिक जानकारी में जो प्राप्त हुआ है, उड़ीसा से संभवतः लाना बताया गया है और अभी क्रॉस चेक कर रहे हैं हम लोग, अभी कितना इन लोगों ने जानकारी सही बताई है और कितना वो छुपाना चाह रहे हैं। कितने लाख का है? अराउंड मार्केट वैल्यू 1 करोड़ के आसपास की है इस गांजे की।